कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों को आज ट्री बनाना सिखला रहा हूँ, जो कि सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है। पत्तियाँ होती है वो काफ़ी झुंड में होती है, इसलिए हम लोग जो भी बनाएंगे पहले एक झुंड का नक्शा तैयार करते थे। इसलिए हम लोग थोड़ा सा सेट्स दे करके एक पेड़ का फील या पंच पत्तियों का पंच का फील देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें आउटलाइन दे करके पत्तियों का शेप देना शुरू करते हैं। और हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि पत्तियों का झुंड होने की वजह से वो थोड़ा सा झुका होता है। पेड़ों का हमेशा ये कोशिश होता है कि वो ऊपर की ओर उठे, लेकिन वो ब्रांच जो होता है वो आगे जा कर के वो मुलायम हो जाता है और उसमें काफ़ी पत्तियाँ होती है, जिसके कारण वो नीचे की ओर झुकने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि साइड साइड वाला हो, जो अधिक पत्तियों के वजन के कारण वो झुक गया है, ठीक है। और जो सामने का ऊपर का होता है उसे लगभग में हम लोग खड़ा खड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इसे हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पेपर जब बना रहे हैं तो कई बार होता है कि पेपर से शेड्स छूटने लगता है, इसके लिए हम लोग इसके ऊपर पहले कागज़ रख लेते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी करें। कुछ जगह पे कुछ कम पत्तियाँ होने के कारण से वहाँ पे मतलब डेप्थ सा दिखाई देता है, जिसके कारण वो अंधेरा दिखता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा शेड्स डालने के बाद फिर उल्टा हम लोग पेड़ पत्ती बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से बन जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यू एक दो जगह और कर लेते हैं जिससे अच्छा सा फील आए। थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं जिससे कि हमें साफ साफ दिखाई दे कि हाँ ये डेप्थ है। फिर तना बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तना ये होता है कि ऊपर का पतला होता है और जैसे जैसे मिट्टी के ज़मीन के तरफ जाएगा वो मोटा होता जाएगा। ज़मीन से जब निकलता है तो वो मोटा होता है, ऊपर बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे पतला होता जाता है। पेड़ से जितना बार टहनियाँ निकलेगा मतलब ब्रांच, तो उतना बार वो उस पर एक थोड़ा सा असर पड़ता है, वो पतला होने लगता है। अब हम लोग वो डेप्थ वाले एरिया में जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें ब्रांच दिख सकता है, पेड़ का स्टम दिख सकता है, तो वहाँ भी बना लेते हैं।